नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल आई अमर सिंह। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम MacBook Air की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं जो कि 2018 एडिशन है और इसका जो कलर है वो गोल्ड है। और तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, बॉक्स की पैकेजिंग अच्छी तरीके से की गई है और मैंने इसे फ्लिपकार्ट के थ्रू मंगाया है और ये अच्छे से पैक है। हमने इसे ऑफिस में थोड़ा सा खोल लिया था चेक करने के लिए, तो यहाँ से ये इसकी सीलिंग थी, हमने इसे ओपन कर लिया है यहाँ पर। तो चलिए इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा मैकबुक एयर का बॉक्स और ये गोल्डन कलर में है। ये लेटेस्ट कलर है जो कि मैकबुक एयर में आता है, इससे पहले गोल्डन कलर का कोई भी मैकबुक एयर नहीं आया था। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ स्पेक्स में आपको। ये देखिए यहाँ पे साइड में लिखा है मैकबुक एयर और इधर साइड में दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको एप्पल का लोगो बना है जो कि गोल्डन कलर में आ जाता है और इधर भी मैकबुक एयर आपको मिल जाता है। और पीछे की स्पेक्स की बात करें तो आपको दिखाते हैं। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है 1,14,900 रुपये का और ये मेरे को लगभग 1 लाख का पड़ गया है ऑफर के अंदर फ्लिपकार्ट में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कस्टमर कंप्लेंट मैनेजर का नंबर और यहाँ पे इसका पार्ट्स नंबर वगैरह लिखा है। यहाँ पे लिखा है मैकबुक एयर 13 इंच और यहाँ पे गोल्ड कलर का लिखा गया है और इसमें 8 GB RAM 128 GB इंटरनल स्टोरेज है जो कि SSD के साथ आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 13 इंच की मैकबुक एयर मिल जाती है। ये आपके रेटिना डिस्प्ले के साथ में आती है और इसमें 1.6 GHz का डुअल कोर i5 प्रोसेसर मिल जाता है और इसमें 8 GB RAM मिलती है जो कि देखिए LPDDR3 वाली रैम है और इसमें आपको 128 GB की SSD मिल जाती है और इंटेल का USD ग्राफिक्स मिलते हैं जो कि 617 है और इसमें आपको 2 Thunderbolt port मिलते हैं जो कि टाइप सी वाले हैं और इसमें हेडफोन जैक मिलता है आपको और स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं। टच आईडी मिलती है, पहला मैकबुक एयर है जिसके अंदर आपको टच आईडी इंक्लूड की गई है जिसके कारण से इसका प्राइस और रेटिना डिस्प्ले के कारण इसका प्राइस इंक्रीज हुआ है पुरानी वाली मैकबुक एयर के हिसाब से। और ये बैकलेट कीबोर्ड है, इसमें वाईफाई बैंड की बात करी जाए तो 802 AC में दिया गया है और इसमें 2.5 GHz और 2.4 GHz दोनों बैंड सपोर्ट करते हैं। इसमें फेस आईडी HD कैम है और इसमें macOS पहले से इंस्टॉल आता है जैसा कि आपको पता होगा और साइज विड्थ वगैरह यहाँ पे लिखी गई है, आप अगर पूरा पढ़ना चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं ऐसे इंतजार हो रहा है, मैं इसको पूरा खोल लेता हूं, उसके बाद दिखाता हूं उसका लुक और कलर कैसा है। तो दोस्तों हमने बॉक्स को ओपन कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, पहला ही कंटेंट हमें जो मिलता है वो मिल जाता है हमारा लैपटॉप जो कि बहुत अच्छे से पैक है और आप कलर देख सकते हैं गोल्डन है और ये पीछे की साइड आपको कुछ और डिटेल मिलती है पन्नी के ऊपर, आप इसे पढ़ना चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं लैपटॉप को तब तक साइड रखता हूं और बाकी कंटेंट दिखा देता हूं। उसके बाद आपको इसमें देखिए ये लिखा है डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, इसके अंदर लोगो मिलेगा आपको और आपको यूज़र मैनुअल मिलेगी। तो इसे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए आपको एक मैकबुक एयर की यूज़र गाइड मिल जाती है सारी और ये आपका कीबोर्ड और टच आईडी के बारे में कुछ बताया गया, ट्रैक पैड के बारे में और ये जो है मैकबुक एयर के कुछ आपको सेफ्टी एंड हैंडलिंग गाइड मिल जाती है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एप्पल के लोगो मिल जाते हैं जो कि गोल्डन कलर के आते हैं। और दूसरी जो चीज़ है ये आपको मिलती है, ये वारंटी की डिटेल्स वगैरह मिलती है कि आप कहाँ से इसे रिपेयर करा सकते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं, अब अगले कंटेंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगले कंटेंट में आपको ये देखिए एक अडाप्टर मिल जाता है जो कि इंडियन वर्जन का है, हमने इंडियन वेरिएंट खरीदा है तो इसीलिए इंडियन वर्जन वाला चार्जर मिल जाता है और ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, ये आपको लैपटॉप को बहुत जल्दी चार्ज कर देगा। और साथ ही साथ आपको टाइप सी टू टाइप सी वाली केबल मिल जाती है। ये देखिए दोस्तों, इसमें आपको कोई भी USB पोर्ट नहीं मिलता है। तो मैं आपको मेन स्पेक्स बाकी दिखाता हूँ। तो अभी हम बॉक्स को साइड में रखते हैं और ये रहा हमारा मेन लैपटॉप। इसको खोलने की जो फील है वो अलग लेवल की है। ये देखिए, ये हमने इसे बाहर निकाल लिया है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कितना पतला है, अच्छा खासा पतला आपको मिल जाता है और ये पूरा एल्युमिनियम के साथ डिज़ाइन में आता है और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर जो मेन चीज़ मिलती है वो आपको एप्पल का लोगो मिलता है जिसके लिए आधी दुनिया परेशान है। और ये पीछे आपको कुछ डिटेल लिखी गई है, यहाँ लिखा गया है डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया असेंबल इन चाइना। और अब हम इसे खोल लेते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके साइड वाले एरिया को दिखा देते हैं आपको। दो थंडरबोल्ट पोर्ट मिल जाते हैं जो कि टाइप सी वाले हैं, एक ही आपका चार्जिंग वाला है और यहाँ पे आप ये टाइप सी का आपको अडाप्टर खरीदना पड़ेगा अगर आप पेन ड्राइव या फिर SD कार्ड जो भी कुछ लगाना चाहते हैं उसके लिए आपको एक अलग से अडाप्टर खरीदना होगा। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जो बेस्ट अडाप्टर्स हैं, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। और अगर दूसरे साइड की बात करूँ तो दूसरे साइड हाँ आप देख सकते हैं ये आपको हेडफोन जैक मिलता है, इसमें आप अपना ईयरफोन या हेडफोन जो भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं और ये काफ़ी हद तक पतला आपको मिल जाता है। तो चलिए अब हम इसे खोल लेते हैं। सबसे अच्छी बात जो इसको है खोलने की वो यहाँ पे आपको बस ऐसे खोलना है, एक ही उंगली से आप इसे खोल सकते हैं और ये आपको एक ऊपर एक पन्नी मिलती है जो कि लगाई गई, बहुत ही प्रीमियम फील देती है ये। और अब हम इसे साइड में रखते हैं इसे।
तो दोस्तों अब हम पूरे लैपटॉप का ओवरव्यू आपको यहाँ पर देते हैं। यहाँ आपको टच आईडी सेंसर मिल जाता है जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है, और इसमें आपको एप्पल की जो चिप मिलती है जिसके कारण से ये और हाईली इंक्रिप्टेड हो जाता है और आपके डाटा को सिक्योर रखता है। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ आपको मैकबुक एयर लिखा हुआ मिल जाता है, साथ ही साथ आपका कीबोर्ड है जो कि बैकलेट मिलता है आपको, और टच पैड जो है अच्छा खासा आपको बड़ा मिल जाता है। और अगर आप इसे सिक्योर रखना चाहते हैं अच्छी तरीके से, तो इसका आप ऐसा करिएगा इंश्योरेंस जरूर करा लीजिएगा, और साथ ही साथ स्क्रीन के लिए जो प्रोटेक्टर वगैरह आते हैं वो लगवा जरूर लीजिएगा। और ये देखिए आपको डिस्प्ले मिलता है, पूरा का पूरा रेटिना डिस्प्ले है, बहुत ही गजब डिस्प्ले आपको दिख जाता है। दोस्तों आप सामने से देख सकते हैं इसकी जो थिकनेस है वो कितनी पतली मिल जाती है आपको, और ये बहुत ही पतला है, बहुत ही अच्छा मिलता है, और इसकी क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है। आप इसे जब हाथ में लेंगे तो आपको इन हैंड जो फील है वो बहुत ही जबरदस्त लगने वाला है, बहुत आपको मजा आएगा इसे जब आप इसे चलाएंगे तो। और देखिए फिंगरप्रिंट के स्मजेस आ रहे हैं, इसको आपको थोड़ा साफ करके रखना होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें कवर वगैरह जल्दी चढ़ा लूं, क्योंकि देखिए फिंगरप्रिंट के स्मजेस आ गए हैं यहाँ पर, ये देखिए पूरा हाथ छप रहा है। तो चलिए हम इसे ऑन करते हैं। तो दोस्तों आपको ऑन करने के लिए इस पर क्लिक करना है। दोस्तों राइट नाउ ये बूट हो रहा है, और यहाँ आप देख सकते हैं, और इसकी पहली बूटिंग ही, ये चार्ज बिल्कुल नहीं था, इसे हम चार्जिंग पे लगा के बूट कर रहे हैं। ये देखिए माउस की डंडी आ गई है, ये लोड हो रहा है अभी अच्छी तरीके से, रंग बिरंगा रंगीला आ गया, ओ भाई खुल रहा है ये तो। और अब हमें इसे सेट करना है। ये देखिए दोस्तों बैकलेट वाली लाइट जल गई है कीबोर्ड की, जो कि आप देख सकते हैं मैक सेटअप हो रहा है, क्या बताएं, पूरा सिरी बना दिया हमें। ओ भाई सेटअप हो गया ये तो, ओ भाई 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 ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये देखिए सेटअप हो गया, ये ट्रैश है, ये हमारा रिसाइकल बिन है, इस पर टैप करना है तो खुलेगा ये, भाई गजब परफॉर्मेंस। और दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, जो भी विंडोज यूजर हैं अगर इधर क्रॉस बटन ढूंढो तो गलती से भी मत ढूंढ लेना, क्योंकि क्रॉस बटन इधर होता है, मिनिमाइज बटन इधर होता है, और ये फुल स्क्रीन वाला इधर होता है, ये देखो। और इसमें विंडोज बटन तो कोई है नहीं। तो दोस्तों हमने इसे पूरा सेटअप कर लिया है अच्छी तरीके से, तो अब हम इसमें अपनी वीडियो खोलते हैं। आपको यूट्यूब में सर्च करना है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल पर सर्च करिए आई अमर सिंह, और उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए, उसके बाद ये हमारा चैनल निकल के आ जाएगा। और वीडियोज अगर नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिए, और सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए हम एक वीडियो प्ले करके दिखा देते हैं अपनी। और ये देखिए दोस्तों इसका जो डिस्प्ले की क्वालिटी है बहुत ही क्रिस्प है, क्लियर है, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी है इसकी, और बेजल्स जो है बहुत कम दे रखे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल आई अमर सिंह। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं MI के ईयरफोन की, जो कि बेसिक वाले हैं, और इनकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये 399 रुपीज़ का हमें मिल जाते हैं। इसे मैंने अमेजोन के थ्रू मंगाया है, और दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि मैं इससे पहले टॉप 3 बेस्ट ईयरफोन्स की वीडियो बना चुका हूं अंडर 500 रुपीज़ की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने सैमसंग के ईयरफोन मंगाए थे, उनकी भी अनबॉक्सिंग कर दी थी, जो कि 500 रुपीज़ के नीचे आते हैं, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर कार्ड्स में आपको इन दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों इसकी जो वीडियो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है, और इसमें जो क्लैरिटी आती है वीडियो की बहुत जबरदस्त आ रही है, अगर इसमें आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपको मजा आ जाएगा, और परफॉर्मेंस वगैरह तो बहुत ही अच्छी है। तो चलिए मैं आप क्रोम में बहुत सारे टैब खोल कर आपको दिखाता हूँ, देखिए हैंग करेगा कि नहीं करेगा। और हम अब टैब खोलते हैं लगातार, एक ये टैब खोला, हम इसमें गूगल खोल रहे हैं, और साथ ही साथ हमने एक ये टैब खोला, अब हम इसमें खोल रहे हैं आई क्लाउड, और हमने एक और ये नया टैब खोला, उसमें हम खोल रहे हैं ट्विटर, और हम एक और नया टैब खोलते हैं, इसमें हम खोल रहे हैं NDTV, और उसके बाद हम एक और टैब खोल रहे हैं, उसके बाद इसमें खोलते हैं LinkedIn, और एक और टैब Zomato खोलते हैं। तो हम सारे टैब पे स्विच कर सकते हैं, ये देखिए जबरदस्त मजा आ रहा है, और भी टैब अगर खोलना चाहें तो खोल सकते हैं हम इसे। अब हम बिंग का ले लेते हैं, एक टैब और ले लेते हैं। देखिए दोस्तों सीधी सी बात साबित मैं ये करना चाह रहा हूँ कि विंडोज नहीं है तो ये अटकता बिल्कुल भी नहीं है, इस गलत फहमी में मत रहिएगा। और सबसे अच्छा फीचर जो मेरा इसके लगा, ऐसे लिड बंद कर दीजिए और उसके बाद इसे डायरेक्ट यहाँ से ओपन करिए एक उंगली से, और जहां से आपने इसे छोड़ा था वहीं से खुलेगा, ये देखिए तुरंत तुरंत का तुरंत, ये देखिए फिर बंद करा मैंने इसे और फिर खोल रहा हूँ। हमारा दोस्त है वो कह रहा है सेटिंग खोलो सेटिंग, अब इनको कैसे बताएं इस लैपटॉप की कोई सेटिंग नहीं है।
और हमने बहुत सारी चीजें इसमें खोल दी हैं, तो ये अब सेटअप करने को कह रहा है, हम कह रहे हैं ये सेटअप करो वो सेटअप करो, तो हम इन्हें क्लोज करते हैं फटाफट। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक ले गुड बाय और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। हेलो, कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब करो चैनल को। कर दिया सब्सक्राइब, बस नोटिफिकेशन बेल को कौन अनेबल करेगा, वो भी करो।